हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर के आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि कल जब हमने 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया था। सबसे पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। और टेस्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो जीके वाला पोर्शन है वो भी इसमें कवर किया जा रहा है। तो आपका टेस्ट था कि आईसीसी वैश्विक महिला T20 टीम रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आईसीसी वैश्विक महिला T20 टीम रैंकिंग में हमारा जो भारत है वो 5वें स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन है डी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के हृदय नाथ पुरस्कार 2018 के लिए नामित किया गया है। तो उनका नाम है मोहम्मद जहीर खयाम हाजमी, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है मोहम्मद जहीर खयाम हाजमी, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के हृदय नाथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मोहम्मद जहीर खयाम हाजमी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही फेमस एक संगीतकार है, और उसी के साथ साथ ये लेखक भी है, और इन्हें 2007 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 2010 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 2011 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस अवार्ड के बारे में पता होनी चाहिए, हृदय नाथ पुरस्कार इसके बारे में। तो देखिए, इसका जो नाम रखा गया है वो लता मंगेशकर के जो छोटे भाई हैं पंडित हृदय नाथ, उनके नाम पर रखा गया है। और ये जो अवार्ड है वो हर साल 26 अक्टूबर को दिया जाता है। 26 अक्टूबर को क्यों दिया जाता है? तो 26 अक्टूबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो पंडित हृदय नाथ थे उनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर को। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हदेश आर्ट के द्वारा दिया जाता है। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 2011 में हुई थी। ये सबसे पहले 2011 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो लता मंगेशकर को ही दिया गया था सबसे पहले 2011 में। और इस अवार्ड में जो विजेता है उसे पुरस्कार के साथ साथ 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। और ये अवार्ड किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो हृदय नाथ पुरस्कार जो अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उसी के साथ साथ खेल के क्षेत्र में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन है आज का कि किस राज्य ने खाद्य साथी योजना शुरू की है? तो जो खाद्य साथी योजना है वो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। और ये योजना कब शुरू की गई है? तो इस योजना को 16 अक्टूबर को शुरू किया गया है। और 16 अक्टूबर को ही क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि 16 अक्टूबर को आप लोगों को कल मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड फूड डे वाले दिन ही इस खाद्य साथी योजना को शुरू किया गया है। अब देखिए, इस योजना के तहत होगा क्या कि जो गरीब लोग हैं उन्हें 2 रुपए किलो अनाज प्रोवाइड करवाया जाएगा, और इस योजना के तहत लगभग 8.5 करोड़ लोगों को लाभ होगा। और देखिए, क्योंकि इस योजना को पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग एरिया है यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम है केसरी नाथ त्रिपाठी। और पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 42 और राज्यसभा की सीटें हैं 16 और विधानसभा की सीटें हैं 294। अगला करंट अफेयर है आज का कि अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन जो दिवस है वो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जब इस साल 17 अक्टूबर 2018 को ये दिन मनाया गया है तो इसका थीम आपको याद रखना होगा। इसका थीम है कमिंग टूगेदर विद दोज फर्दरेस्ट बिहाइंड टू बिल्ड अ इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट डिग्निटी। इसको एक बार मैं हिंदी में आपको रिपीट कर देती हूँ, एक बार फिर से नोट कर लीजिए हिंदी में। इसका थीम है मानव अधिकारों और गरिमा के सार्वभौमिक सम्मान की एक समावेशी दुनिया बनाने के लिए पिछड़े हुए व्यक्ति समेत एक साथ आना है।
ये इसका थीम है इस साल का 2018 का। अब इसके बाद दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस दिन की जो शुरुआत है वो यूएन असेंबली के द्वारा की गई थी और सबसे पहले ये जो दिन है वो 1993 में मनाया गया था। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है इस दिन को मनाए जाने के पीछे। तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें गरीबी को खत्म किया जा सके, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आज का कि किस लेखिका ने मैन बुकर प्राइज 2018 जीता है। तो उनका नाम है एना बर्न्स, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है एना बर्न्स जिन्होंने मैन बुकर प्राइज 2018 जीता है। देखिए इनका बहुत ही फेमस एक उपन्यास है जिसका नाम है मिल्क मैन, जिसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज 2018 दिया गया है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना होगा कि जो एना बर्न्स है इनका सबसे पहला उपन्यास कौन था। तो इनका जो सबसे पहला उपन्यास था उसका नाम है नो बोन्स, और जो एना बर्न्स है वो आयरलैंड की लेखिका है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है मैन बुकर प्राइज। इस प्राइज के बारे में आपको पता चाहिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो देखिए इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये अवार्ड बुकर मैकनॉल कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी है बुकर मैकनॉल, उसके द्वारा इस अवार्ड को हर साल दिया जाता है। और ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है, तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनके जो उपन्यास है वो इंग्लिश में लिखे हों और वो यूके में प्रकाशित हुए हों, यूनाइटेड किंगडम में वो प्रकाशित हुए हों और इंग्लिश में लिखे हों, तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। अब देखिए इस अवार्ड में विजेता को अवार्ड के साथ साथ 50,000 पाउंड की नगद राशि भी दी जाती है। अब देखिए अब तक हमारे भारत के भी ऐसे 5 लेखक हैं जिन्हें मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। ये 5 लेखकों के नाम मैं आपको बताती हूँ, इनके नाम है वी एस न्यायपॉल और अरविंद अडिगा, और जो तीसरे लेखक है उनका नाम है किरण देसाई, और जो चौथे लेखक है उनका नाम है अरुंधति रॉय, और जो 5वें लेखक है उनका नाम है सलमान रुश्दी। तो हमारे भारत के 5 लेखकों को अब तक मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। अगला करंट अफेयर है आज का कि बैंक बाजार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो उनका नाम है SS मुद्रा, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है SS मुद्रा, और हाल ही में SS मुद्रा को बैंक बाजार ने अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। और जो SS मुद्रा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, और इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर का जो पद था वो जुलाई 2017 तक संभाला था। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो बैंक बाजार के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम है उर्जित पटेल, और जो उर्जित पटेल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर है। और जो सबसे पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ। अब उसके बाद बैंक बाजार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बैंक बाजार ये है क्या। तो ये एक ऑनलाइन बाजार है जो कि अपने कंज्यूमर्स को लोन और क्रेडिट और पॉलिसीज जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। अब बैंक बाजार के बारे में, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। और बैंक बाजार के जो सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है अदिल शेट्टी। अगला करंट अफेयर है यूथ ओलंपिक खेलों में किसने ट्रिपल जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो यूथ ओलंपिक खेलों में जो ट्रिपल जंप स्पर्धा में जो कांस्य पदक है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल वो प्रवीण चित्रावल ने जीता है, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है प्रवीण चित्रावल। अब देखिए जैसे कि प्रवीण चित्रावल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ये किन्होंने जीता है। तो जो गोल्ड मेडल है वो अलेहांद्रो डियाज ने जीता है जो कि क्यूबा के खिलाड़ी हैं, और जो सिल्वर मेडल है वो इमैनुअल ने जीता है। इमैनुअल कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये नाइजीरिया के खिलाड़ी हैं। और जो 2018 में यूथ ओलंपिक गेम्स का ये जो संस्करण हो रहा है इसमें ये दूसरा अवार्ड है हमारे भारत का। किस क्षेत्र में दूसरा अवार्ड है, तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में दूसरा अवार्ड है भारत का। और जो पहला अवार्ड है वो किन्होंने जीता था 2018 में, तो वो सूरज पवार ने जीता था, कल आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया गया था, और सूरज पवार ने 5000 मीटर रेस में ये अवार्ड जीता था। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब देखिए जो यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 आयोजित किए गए हैं ये कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो ये अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स वहां पर आयोजित किए गए हैं। और कब से कब तक आयोजित किए गए हैं, तो 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इन्हें आयोजित किया गया है।
और यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 में जो हमारे भारतीय दल की ध्वज वाहक है उनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम है मनु भाकर। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये अर्जेंटीना में आयोजित किए गए हैं, तो अर्जेंटीना के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मार्ग एरिया है, यहाँ पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, आप लोग को बता ही दिया गया, और करेंसी है पैसो, और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नाम है मोरिशियो मैक्री। अगला करंट अफेयर है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है, जिन्होंने हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम है निकोल पासियान। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है निकोल पासियान, जिन्होंने हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए इनकी जो नियुक्ति है वो हाल ही में हुई थी, अभी 8 मई 2018 को ही इनकी नियुक्ति हुई थी, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब क्योंकि ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री थे तो आर्मेनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्ग दे रही है, यहाँ पर है आर्मेनिया, आर्मेनिया की कैपिटल है ये रेनवन, और आर्मेनिया की करेंसी है ड्रैम, और आर्मेनिया के प्रेसिडेंट का नाम है अरमेन सिनकिसियन, और प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग को पता ही लग गया निकोल पासियान, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला करंट अफेयर है भारत और तंजानिया ने कितनी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत ने और तंजानिया ने मिलकर हाल ही में 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये जो 2 समझौते किए गए हैं ये किन किन के बीच में किए गए हैं, तो जो पहला समझौता किया गया है वो भारत के विदेश सेवा संस्थान और जो तंजानिया है उसके विदेश संबंध केंद्र के बीच में किया गया है, और जो दूसरा समझौता है वो हमारे भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और तंजानिया का औद्योगिक अनुसंधान और विकास निगम के बीच में किए गए हैं। और ये जो 2 समझौता किए गए हैं ये किन की निगरानी में किए गए हैं, तो हमारे भारत की जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज उनकी निगरानी में, और जो तंजानिया है उसके विदेश मंत्री जिनका नाम है ऑगस्टन महिगा उनकी निगरानी में ये समझौते किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको MOU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि एक MOU होता है और एक MOA होता है। MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और जब किसी भी विषय पर बातचीत चल रही होती है किसी दूसरे देश के साथ भारत की, तो जब वो बात शुरुआती तौर पर होती है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए जाते हैं, और जब बात फाइनल हो जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किए जाते हैं। अब क्योंकि ये जो समझौता किया गया है वो तंजानिया के साथ किया गया है, तो तंजानिया के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर जो मांग रही है, यहाँ पर है तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल है ड्रोमा, तंजानिया की करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है कैसिम मजालिवा, और तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम है जॉन मैगुफुली। अगला करंट अफेयर है फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 2000 कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को टॉप 25 में जगह मिली है, तो उस कंपनी का नाम है लारेंस एंड ट्रूबो। ये भारत की एक कंपनी है जिसे फोर्ब्स द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी 2000 कंपनियों की, उनमें से जो टॉप 25 कंपनी है उसमें इस कंपनी को जगह मिली है, और कौन सा रैंक मिला है इस कंपनी को, तो लॉरेंस एंड ट्रूबो कंपनी को 22 रैंक मिला है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन 2000 कंपनियों में से पहला स्थान किस कंपनी को मिला है, तो जो पहला स्थान है वो अल्फाबेट को मिला है, अल्फाबेट कंपनी जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है उसे पहला स्थान मिला है, और दूसरा स्थान किसे मिला है, तो दूसरा स्थान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को मिला है। अब देखिए ये जो 2000 कंपनियां की रिपोर्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा है, ये किन किन देशों की कंपनी है, तो ये 60 देशों की कंपनियां हैं, जिनमें से इन 2000 कंपनियों में से हमारे भारत की 24 कंपनियां इसमें शामिल हैं, और जो हमारी भारत की विप्रो कंपनी है उसे 362 रैंक मिला है, और जो हमारे भारत की GIC कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसे 106 स्थान मिला है। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो फोर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद लॉरेंस एंड ट्रूबो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए लॉरेंस एंड ट्रूबो कंपनी के बारे में, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में, और इसके जो CEO और MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है S.N. सुब्रमण्यम, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है A.M. नैग। अब फोर्ब्स के बारे में पता चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फोर्ब्स क्या है, तो ये एक मैगजीन है जो कि किसी भी फेमस कंपनी की और जो फेमस पर्सन होते हैं उनकी रैंकिंग करती है, और फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है मिचेल पेरिस और स्टीव फोर्ब्स, और इसके जो फाउंडर है फोर्ब्स के उनका नाम है BC फोर्ब्स और वेल्टर ड्रे। अगला करंट अफेयर है IRCTC ने कौन सा एक नया चैट बॉट शुरू किया है, तो IRCTC ने हाल ही में आस्क दिशा नामक का एक चैट बॉट शुरू किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आस्क दिशा चैट बॉट शुरू किया गया है इससे फायदा क्या होगा, तो इससे ये फायदा होगा कि जो रेलवे यात्री हैं वो IRCTC की वेबसाइट पे जाकर
इस सुविधा के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेलवे से रिलेटेड, यानी कि टिकट से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड और कैटरिंग से रिलेटेड, ये सब जानकारी ये इस चैटबॉट के थ्रू ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चैटबॉट होता क्या है। तो देखिए, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गूगल असिस्टेंट नहीं काम करता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर उससे पूछा जाए तो उसका रिप्लाई करता है, वैसे ही ये चैटबॉट भी होता है। इससे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये उसका रिप्लाई करके लोगों को आंसर देगा। पर ये जो क्वेश्चन होंगे जो इससे चैटबॉट से पूछे जाएंगे वो सिर्फ रेलवे से रिलेटेड हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें IRCTC के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, IRCTC, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और IRCTC इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और साथ ही में यहाँ पर रेलवे की बात चल रही है तो हमारे रेलवे मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, तो जो हमारे प्रेजेंट में रेल मिनिस्टर है उनका नाम है पीयूष गोयल। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में जाननी थी। अगला करंट अफेयर है, किसे NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है प्रियंक कानूनगो, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है प्रियंक कानूनगो, जिन्हें हाल ही में NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और NCPC के प्रियंक कानूनगो से पहले कौन अध्यक्ष थे, तो उनका नाम था स्तुति कक्कड़। स्तुति कक्कड़ के इस्तीफा देने के बाद अब NCPCR के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रियंक कानूनगो, और प्रियंक कानूनगो का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल के लिए होगा। अब साथ ही में आपको NCPCR के बारे में पता होना चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो NCPCR की स्थापना 2005 में हुई थी। अगला करंट अफेयर है, किस देश में फूल पत्ती का त्योहार मनाया गया है, तो हाल ही में जो फूल पत्ती का त्योहार है वो नेपाल में मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 17 अक्टूबर को मनाया गया है। अब देखिए, ये त्योहार होता क्या है और कब मनाया जाता है, तो ये जो त्योहार है वो नवरात्रि के 7वें दिन मनाया जाता है नेपाल के अंदर। और इस त्योहार की जो शुरुआत है वो राजा पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से हुई है। राजा पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। अब क्योंकि ये त्योहार नेपाल में मनाया गया है तो नेपाल के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर जो मांग रही है, यहाँ पर है नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी, और नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है खड्गा प्रसाद ओली। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया जाएगा, पहला आपका टेस्ट है कि आइडिया वोडाफोन द्वारा हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए आरंभ की गई पहल का क्या नाम है। इन चारों ऑप्शन में से आपको अपना आंसर चूज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।